फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपके पास है रियलमी 11 प्रो प्लस, उसमें आप 5G अनलिमिटेड डाटा को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो आपको इनेबल करने से ये फायदा हुआ कि यहाँ पे आपका अगर 1.5 GB का भी रिचार्ज है उसमें भी आप 5G अनलिमिटेड डाटा को इनेबल कर सकते हैं, और डे में यानी कि दिन में जितना चाहे उतना आप 5G अनलिमिटेड डाटा को इनेबल कीजिए और आपका डाटा खत्म ही नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पे बताता हूँ कैसे आपको 5G अनलिमिटेड डाटा को कोई सा भी कंपनी का सिम हो, जियो का हो गया, वीआई का हो गया या फिर एयरटेल का हो गया, किसी भी सिम में भी आप इसे यूज कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पर, वहां पे आपको डिटेल के साथ करके इनेबल करके बताऊंगा 5G अनलिमिटेड डाटा। जहाँ पे राइट साइड मेरा फोन डिस्प्ले आपको शो हो रहा है और यहाँ पे आपको लाइट प्रूफ करके बताता हूँ कैसे आपको इनेबल करना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि आपको जिस भी कंपनी का सिम हो उसमें आपको 2.5 GB का यानी कि 239 का होना चाहिए या फिर 1.5 GB का आपको रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप 5G अनलिमिटेड डाटा को इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करनी होगी। प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जिस भी कंपनी का सिम हो, जैसे जियो का है तो माई जियो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पे अगर एयरटेल का है तो एयरटेल थैंक्स डाउनलोड कर लीजिए, वी आई का हो तो वी आई का ऑफिशियल ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल मेरे पास जियो का है तो मैं माई जियो करके एप्लीकेशन आती है उसे मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे देखिए माई जियो करके, माई जियो फॉर एवरी थिंग्स इस करके का एप्लीकेशन आएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं डाउनलोड कर चुका हूँ आपको बताने के लिए, तो मैं डाउनलोड करके इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर देकर आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होने लगा देख पा रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल के आने, नीचे स्क्रॉल के आने के बाद यहाँ पे आपको जो डाटा रिचार्ज है वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मोबाइल प्रीपेड करके, एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मोबाइल प्रीपेड पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देनी होगी। मोबाइल प्रीपेड पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या करना हो, नीचे स्क्रॉल के आ जानी होगी। नीचे स्क्रॉल के आ जाएगा तो यहाँ पे जियो ट्रू कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन अपग्रेडेड टू जियो वेलकम ऑफर अनलॉक टू 5G नाउ, यानी कि आपको 5G अनलॉक करना है, यानी कि अनलॉक करना है तो आपको क्या करना है, गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देनी होगी। गेट स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाएगा और यहाँ पे कुछ आपको टिक करना है ताकि आप इनेबल कर पाएंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे जियो ट्रू 5G कॉन्ग्रेचुलेशन अनलिमिटेड 5G डाटा देख पा रहे हो, तो नो कंडीशनल कॉस्ट यानी कि कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। और उसके बाद में जियो वेलकम ऑफर हैंडसेट कैपेबिलिटी 5G हैंडसेट है या नहीं वो चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर लास्टेड वर्जन अपडेट नहीं किए, आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किए तो अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे अपडेटेड है तो आई हैव अपडेटेड पे क्लिक करूँगा। आई हैव अपडेटेड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करेगा, उसके बाद हैंडसेट 5G सेटिंग्स चेक करेगा। तो एक्सप्लोर ट्रू 5G आपको है तो एक्सप्लोर ट्रू 5G यहाँ पे देख पाऊँ तो ग्रेट यू आर 5G रेडी, तो एक्सप्लोर ट्रू 5G पे आपको क्लिक कर देनी होगी। एक्सप्लोर ट्रू 5G पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको जो कि आपको बैक वाले ऑप्शन पे आ जाएगी। बैक वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक बार और बैक कर देने की। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको शो होने लगा, तो क्या करना, 5G ट्रायल अनलिमिटेड का एक ऑप्शन आपको दिख रहा, तो 5G ट्रायल अनलिमिटेड पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर 5G ट्रायल पैक इज एक्टिव ऑन द जियो ट्रू 5G नेटवर्क SPD। इस तरह करके आप अपने 5G अनलिमिटेड डाटा को इनेबल कर सकते हैं और जितना मर्जी चाहे उतना 5G अनलिमिटेड डाटा को चला सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपने यूट्यूब चैनल AKG सपोर्ट पर।